हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज रही है 4। और मैं आज बहुत दिनों के बाद ऐसे सामने से बोल के व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। कहीं पे डीजे हो रहा है, कहीं पे भागवत हो रहा है, कहीं पे और कुछ हो रहा है, तो इसलिए ना बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण ना मैं व्लॉग ऐसे बना नहीं पा रही थी। आज थोड़ा सा शांति वाला माहौल है, तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग ऐसे बना लेती हूँ। क्या होता है ना कि व्लॉग में अगर आपको वॉइस ओवर करना पड़ता तो एडिटिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक एक चीज देख देख के फिर बोलना पड़ता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अभी आने में टाइम है, तो मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो गाइज, ये है मेरा सूट जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। मैंने इसे भाई दूज के लिए मंगाया था, तो भाई दूज वाले दिन तो मैंने इसे पहन लिया था। तो ये सिर्फ दुपट्टा और कुर्ता था, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का था। ये डार्क मरून कलर का है, बट वीडियो पे शायद रेड दिख रहा है, बट ये मरून है। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जॉर्जेट मटेरियल है, और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इस सूट को पहना था, तो उसकी भी पिक या वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो गाइज, ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लॉन्ग है। और उसके साथ है ये दुपट्टा, जो कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है। तो गाइज, ये सूट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ और इसे मैं साथ में लेके इसलिए बैठी हुई हूँ। मैं सोचा कि मैं इस कुर्ते के साथ सेम कलर का प्लाजो मंगा लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हुआ ये कि मैंने भाई दूज के पहले ही मैंने ये जब सूट मंगाया था, तो मैंने इसके साथ एक प्लाजो भी ऑर्डर किया था, जो कि कम्बो पे था। और वो प्लाजो ना भाई दूज तक के आया ही नहीं। मैंने इसे लेगी के साथ पहन लिया। एक आध हफ्ते के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो प्लाजो ऑर्डर किया था, वो अभी तक नहीं आया। तो मैंने देखा कि वो नागपुर पे था, तो वो 3-4 दिन से ही नागपुर पे था। मैंने मीशो के हेल्प सेंटर पे कॉल किया एंड मैंने उनको कंप्लेन की, तो उसके बाद वो रायपुर आ गया। मैंने बोला चलो ठीक है, आज रायपुर आया तो कल दुर्ग आ जाएगा। तो फिर मैंने 2-3 दिन ध्यान नहीं दिया कि पार्सल आ ही जाए। हुआ ये कि वो फिर से नागपुर वापस चला गया। ऐसे 3 बार हुआ कि वो नागपुर जा रहा था और 2 बार वो रायपुर आ चुका था। तो मैंने बोला कि अब मुझे ये पार्सल चाहिए ही नहीं, तो मुझे कैंसिल करना। फिर मैंने सेकेंड टाइम फिर ऑर्डर किया। सेकेंड टाइम ऑर्डर करने के बाद मुझे रिसीव हुआ, तो ये हुआ मरून कलर और ये है नेवी ब्लू कलर। के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो मैंने पहले ऑर्डर किया था, तो मैंने एक्सेल मंगाया था, तो वो तो ठीक था, उस समय एक्सेल ही आया होगा। अभी आ गया है 4XL। मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसकी पॉलिथीन पे भी चेक कर सकते हो। तो गाइज, आप देख सकते हो कि एक है मरून कलर और एक है नेवी ब्लू कलर, दोनों ही 4XL आ गया है। और मैंने चेक नहीं किया था, मुझे लगा कि सेम कलर आ गया है, तो ठीक है। ये कमर से मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज हो रहा है, क्योंकि ये 4XL है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे कुछ तो कर देती हूँ, ताकि मैं इसे कभी भी पहन पाऊँ। Thank you.
है जो कि इस वाले सूट से मिलता जुलता है, जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहना है, और ये मैंने मंगाया हुआ था फ्लिपकार्ट से। मैं आपको दिखा देती हूँ, गाइज ये कुर्ता था पूरा ब्लैक कलर का। कुर्ता बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, इसके कारण मैंने इसे अभी तक एक बार भी नहीं पहना है, बट इसकी फिटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लॉन्ग गाउन के जैसा है। कुर्ती की जो लेंथ है वो पूरी फुल लेंथ है, आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा लॉन्ग है, इसे आप लॉन्ग गाउन भी बोल सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस कुर्ती की लेंथ इतनी कम करवा देती हूँ। ये भी जॉर्जेट मटेरियल की ही है। सिलाई का काम तो खत्म हो चुका है, तो मैं सुई धागा और जो भी कपड़े हैं उसे फोल्ड करके रख देती हूँ अच्छे से। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो मेरा सूट है ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे है, मीन्स अंडर 500 है, और आप देख सकते हो कि ये पहनने के बाद लुक कितना ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे नॉर्मली पहनने के लिए चाहिए तो आप लोग ये सूट मंगा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग्स। अब हम डायरेक्ट 2024 में मिलेंगे। बाय गाइज़।